नमस्कार दोस्तों, मैं माइक कुमार शर्मा स्वागत करता हूँ अपनी कंपनी एसके इंडस्ट्रीज में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, एसके इंडस्ट्रीज एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो हर बार नई नई तरह की मशीनें बनाने का काम करती है। एसके इंडस्ट्रीज में लगभग 60 से 70 तरह की मशीन मैन्युफैक्चरिंग होती है और कंपनी की जो भीलवाड़ा फैक्ट्री है वहीं पर मशीनें मैन्युफैक्चरिंग होती है। हम गृह उद्योग से रिलेटेड मशीनें बनाते हैं और नई नई तरह की अलग अलग टाइप की मशीनें बनाते हैं। दोस्तों आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है वो भी इसी तरह का है और एक बहुत ही यूनिक और अच्छा प्रोडक्ट है। फूड से रिलेटेड है, खाने पीने से रिलेटेड है और उसका मार्केट का जो चलन है बहुत अच्छा है, उसके अंदर जो मार्केट सप्लाई है उसकी बहुत अच्छी है। दोस्तों देखा गया है हर जगह, आजकल देखा जा रहा है होटलों के अंदर और जो सम्मेलन होते हैं, बड़ी बड़ी जगह होती है जहाँ पर गार्लिक मतलब लहसुन की बहुत ज़रूरत होती है, वहाँ पर लहसुन छोलने के लिए मतलब उनकी कलियों को साफ करने के लिए आग भी लगाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए होटल है, किसी नॉनवेज की होटल है या सिंपल कहीं खाने की होटल है, तो उसमें लगभग एक दो दो घंटे तक बंदा वो लहसुन क्योंकि छिलता रहता है, क्योंकि उसको लहसुन की जरूरत पड़ती है, उनको खाने में सब्जी में डालने के लहसुन जरूरत पड़ती है। हर होटल में लगभग 1 से 2 किलो लहसुन की जरूरत पड़ती है और उनके लिए बंदे को 2-3 घंटे तक उनको बिठाए रखते हैं उसके अंदर। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा एक प्रोजेक्ट आया है जिसके अंदर आप उनकी उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। आप उनको आप खुद अपनी मशीनों द्वारा आप लहसुन डायरेक्ट मंडियों से किसानों से खरीद कर और उनकी कलियों के छिलके मशीनों द्वारा उतार कर उनको सप्लाई कर सकते हैं और उसमें अच्छा खासा पैसा आप अर्न कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये 3 मशीन है, ये गार्लिक पीलिंग मशीन है, ये कंप्रेशर है इसका, और ये जो है ये इसका जो लहसुन का ब्रेकर है, मतलब ये जो बंडल होते हैं लहसुन के बड़े जो उनको तोड़ने के लिए है, ये तीनों मशीन है। ये पूरा पीलिंग मशीन है, गार्लिक पीलिंग का है, मतलब इनके अंदर ये प्रोसीजर है। सबसे पहले मशीन के अंदर आपका जो लहसुन का जो बड़ा बंडल होगा वो क्रेसिंग होगा, वो छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील होगा, जो लहसुन की कलियां होगी फिर यहाँ से उठाई जाएगी और इस मशीन में डाली जाएगी और इस मशीन द्वारा इन लहसुन की कलियों से इनके ऊपर से छिलका साफ कर दिया जाएगा। इस तरीके से आप इनको पैकिंग करके मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। आप इनको पाव भर 250 ग्राम 500 ग्राम 1 kg के हिसाब से 2 kg के हिसाब से इनको बाजार में सप्लाई कर सकते हैं। ये हीटिंग होने की वजह से ये खराब भी नहीं होते हैं, काफ़ी समय तक रहते हैं। इस प्रोडक्ट को आप अस्पताल के अंदर, हॉस्टल में, होटलों में, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, शादी समारोह के जो प्रोग्राम होते हैं उनके अंदर या सम्मेलन होते हैं, जहां पर भी भोजन से रिलेटेड वर्क होता है या टिफिन हाउस के अंदर जो टिफिन के सेंटर होते हैं वहां पे इन सबको आप सप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं इसके अंदर। आप जो लहसुन है वो इसके अंदर क्या होता है, जो लहसुन जो सिंपल लहसुन होता है वो काम नहीं आता है, आपको लहसुन जो है गुजरात से इम्पोर्ट करना पड़ेगा या 1 साल पुराना लहसुन जो होता है हल्का सूखा हुआ वही लहसुन काम आता है, कच्चा लहसुन इसके अंदर काम नहीं आएगा। और इसके अंदर अच्छा खासा मुनाफा आप इसके अंदर कमा सकते हैं। इसके अंदर आप इसको चाहे तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, बाहर अगर आप सप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आप इसके अंदर इसको बहुत तरीके से अलग अलग तरीके से आप बेच सकते हैं, इसको ऑनलाइन भी बेच सकते हैं, सेल्समैन लगा के आप रिटेलर पर और होलसेल की दुकानों पर सप्लाई कर सकते हैं। डी मार्ट हो गया, रिलायंस का हो गया, रिलायंस मार्ट हो गया, या अलग अलग जो प्रोसीजर है ऑनलाइन बेचने के या जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है वहाँ पर जाके आप इनको सप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे इसका प्रोसीजर कि वर्क कैसे करता है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये गार्लिक पीलिंग मशीन है इसका, ये देखिए अभी बटन ऑन किया जा रहा है, ये ऑन कर दिया गया है।
दोस्तों जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा कि मशीनें किस तरह वर्क करती है, साथ में आपको जो है तीन मशीन आपको दी जा रही है। इसके अंदर पूरे प्रोजेक्ट के अंदर आपको तीन मशीन जरूरत होगी और अलग से आप एक मशीन और लेना चाहते हैं तो एक पैकिंग मशीन और आप ले सकते हैं, बेंड सेलर जिसे बोलते हैं, आप उसके अंदर इसको पैक कर सकते हैं। आपका जो बंडल क्रेशर है उसके अंदर जो लहसुन का बड़ा बंडल होता है उसको क्रेशर करने का, उसके अंदर 2 HP की मोटर होती है 3 फेज की, कंप्रेसर जो है वो 15 HP का होता है इसके अंदर, और ये आपकी पीलिंग मशीन है, इसके अंदर ब्लावर लगे हुए हैं और इसके अंदर भी लगभग आपका 1 से 1.5 HP का कनेक्शन आपको जरूरत होगा। तो लगभग आपका 20 से 25 HP तक का लाइट कनेक्शन आपका चाहिए, ये घर की लाइट नहीं चलेगा, कमर्शियल कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी इसके अंदर। दोस्तों बहुत अच्छा बिजनेस है और आप अच्छा खासा पैसा इसमें अर्न कर सकते हैं। इसके अंदर से किसी तरह की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, किसी तरह का एक्सपीरियंस होने की जरूरत नहीं है, आपको केवल लोड शोट में माल उठाना है। आप डायरेक्ट मंडियों से उठा सकते हैं, आप डायरेक्ट किसानों से ले सकते हैं और उनको इन मशीनों के थ्रू वर्क करके इनसे प्रोसेसिंग करके आगे सप्लाई करना है, उससे आप बहुत ही अच्छा मार्जिन कमा सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों एसके इंडस्ट्रीज हमारी कंपनी का नंबर है 9929157142। दोस्तों किसी भी तरह की मशीन की इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी भी तरह की आपको बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारी कंपनी की टोल फ्री नंबर है, कस्टमर केयर नंबर है, उन पर कॉन्टेक्ट करें। डिस्क्रिप्शन में हमने कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, एड्रेस दिया है, भिलवाड़ा राजस्थान के अंदर भिलवाड़ा शहर है, वहाँ हम मशीन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है यहाँ पे। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे चारों तरफ मशीनें हैं, आप यहाँ आके विजिट भी कर सकते हैं, बाय ट्रेन बस बाय बस आप यहाँ आके विजिट कर सकते हैं दोस्तों।